हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मैमल्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जिनमें हमने देखा कि मैमल्स को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, जिनमें से प्रोटोथेरिया जो है वो एग लेइंग एनिमल्स है यानी कि ओवीपैरस, जबकि थेरिया जो है वह विवीपैरस है। सो थेरिया सब क्लास का क्लासिफिकेशन हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो उनमें सारे विवीपैरस, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडेड हैं, यानी जिनमें मार्सुपियम पाउच और प्लेसेंटा प्रेजेंट है वह। ईयर यूजुअली विथ एक्सटर्नल पिन्ना, यानी कि जो बाह्य बाहर का स्ट्रक्चर होता है ईयर का वो प्रेजेंट होता है, जिसे पिन्ना कहते हैं। मेमरी ग्लैंड्स विथ निप्पल्स और टिट्स। तो निप्पल्स या टिट्स क्यों प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? तो इनमें ये विवीपैरस हैं, यानी कि जो यंग वंस होंगे उनके नरिशमेंट के लिए मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वह निप्पल्स थ्रू यंग वंस को फीड करेंगे। टीथ प्रेजेंट बोथ इन यंग एज वेल एज इन एडल्ट। क्लोएका इज एब्सेंट, राइट। आगे प्रोटोथेरिया में क्या था? क्लोएका जो है वह प्रेजेंट था। ओविडक्ट ओपन्स इनटू वजाइना। एंड थेरिया जो है उनको दो इन्फ्रा क्लास में डिवाइडेड किया गया है। अब यह इस बेस पर किया गया है कि मेटाथेरिया जो है उनमें मार्सुपियम पाउच जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि यूथेरिया में मार्सुपियम पाउच एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट इन्फ्रा क्लास जो है मेटाथेरिया, उनमें मार्सुपियम या तो ब्रूट पाउच प्रेजेंट हो, ऐसे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, फीमेल में यह प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स बियरिंग निप्पल्स, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनमें निप्पल्स, टिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा इज यॉर्क सैक टाइप एंड दे आर कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। उनका एक ही ऑर्डर है जो कि है मार्सुपेलिया। तो इनमें यंग वंस आर बॉर्न इमैच्योर एंड डेवलप इन मार्सुपियम अटैच विथ निप्पल्स और टिट्स। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं फिगर के थ्रू। कि ये कंगारू का फोटोग्राफ दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनका जो डेवलपिंग यूटेरस होता है वो किस तरह से डेवलप होकर सीधा जो मार्सुपियम पाउच है उसके साथ ही अटैच होता है। सो यंग वंस जो होते हैं न्यूली बॉर्न वो इमैच्योर होते हैं। सो यहाँ पर ये मार्सुपियम पाउच जो स्ट्रक्चर है उसमें आते हैं, जहाँ पर निप्पल्स या टिट्स जिनके जो मेमरी ग्लैंड्स के हैं जहाँ से उन्हें मिल्क मिलता है वो वहाँ पर रहते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। सो ये कांगारू में इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन डेंटिशन थ्री प्री मोलर एंड फोर मोलर्स आर यूजुअली प्रेजेंट। जो क्लासिफिकेशन है मैमल्स का उनमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें डेंटिशन यानी कि डेंटल फार्मूला, टीथ जो है उनके नंबरिंग को ध्यान में लिया जाता है। सो मार्सुपियल में थ्री प्री मोलर्स एंड फोर मोलर्स जो होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। एंड एग्जाम्पल है कांगारू, डाइडेल्फिस, डेस्यूरस एंड किनोलेस्ट, जिसमें से यह फोटोग्राफ जो है वह मार्सुपियम ऑर्डर के हैं। उसके बाद इन्फ्रा क्लास टू जो है यूथेरिया, तो इनमें सारे विवीपैरस प्लेसेंटल मैमल्स प्रेजेंट है, और यह सारे एनिमल्स में मार्सुपियम पाउच जो होगा वो टोटली एब्सेंट होगा, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो फुल्ली मैच्योर होते हैं। तो यूथेरिया जो है उनको अप्रॉक्सीमेटली 16 ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है। तो यह हायर विवीपैरस प्लेसेंटल मैमल्स है, मार्सुपियम एंटायरली एब्सेंट, क्लोए का भी एब्सेंट ही होगा। टेस्टिस जो होता है वह सेक्टोरल सेक्स में सिचुएटेड होता है। द यंग ऑलवेज नरिश्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इन द यूटेरस बाय मीन्स ऑफ एलोन्टाइक प्लेसेंटा, यानी कि जो यंग होता है जिसे हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं, तो एम्ब्रियो जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट लेता है और कुछ टाइम के लिए यूटेरस में रहता है। उसके बाद जो एडवांस स्टेज आता है तब वो जन्म लेता है, बॉर्न होता है, और वो जो बेबी होता है वो थोड़ा मैच्योर होता है और वो नरिशमेंट लेता है मेमरी ग्लैंड से, लेकिन उन्हें मार्सुपियम पाउच यानी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इनके जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, तो उसके नाम पर से ही ये सजेस्ट करता है उनकी फीडिंग हैबिटेट, यानी कि वो इंसेक्ट पर फीड करते हैं। स्मॉल है, फरी एनिमल्स, स्नाउट यूजुअली लॉन्ग एंड टैपरिंग। फिगर में हम देखें कि उनका स्नाउट रीजन कैसा है, छोटा सा और आगे से दबा हुआ, टैपरिंग। फिट यूजुअली 5 टोड विथ क्लोज, यानी कि फिट में 5 टोड प्रेजेंट है जिनमें क्लोज प्रेजेंट है। मॉलर्स जो होते हैं वो शार्प एंड पॉइंटेड, क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट पर फीड करते हैं। सो इंसेक्ट के फीडिंग मैकेनिज्म होने की वजह से इनके मॉलर्स जो है वो शार्प एंड पॉइंटेड है। नॉक्टर्नल यानी कि रात को निकलने वाले, और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एरिनेकियस, पैराकाइनस एंड स्कैपानस। उसके बाद
ऑर्डर टू जो है वह है डर्मोप्टेरा, जिन्हें फ्लाइंग लेमूर्स के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग लेमूर्स इसके इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें फ्लाइंग मैकेनिज्म के लिए उनकी जो स्किन होती है वह फोर एंड हिंड लिम्स और टेल सबके साथ कनेक्टेड हुई होती है, जिससे पूरा खुला हुआ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, जिसे पैटेजियम कहा जाता है। तो फरी स्किन स्ट्रेच्ड बिटवीन इक्वल साइज फोर एंड हिंड लिम्स एंड द टेल कॉल्ड पैटेजियम। इस तरह से उनके फोटोग्राफ में देखा तो क्या होता है कि फोर लिम्स, हिंड लिम्स और ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो मिलके क्या बनाता है, पैटेजियम, जिससे वो उड़ सकते हैं। इनसीजर टीथ दो या तो तीन प्रेजेंट होते हैं। यह भी नॉक्टर्नल है, हैबिटेट यानी कि रात को निकलते हैं। एग्जाम्पल है गैलियोपिथेकस की दो स्पीसीज हाल में पाई जाती है साउथ ईस्टर्न एशिया में। देन ऑर्डर थ्री जो है वह है काइरोप्टेरा, तो इन्हें कॉमनली नॉन एज ट्रू फ्लाइंग मैमल्स और बैट्स। क्यों ट्रू फ्लाइंग मैमल्स कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो फोर लिम्स होती है वो मेम्ब्रेनस विंग्स में मॉडिफाइड होती है, जबकि आगे के ऑर्डर में हमने देखा कि उनमें फोर लिम्स, हिंड लिम्स और टेल के साथ जुड़ करके पैटेगियम नाम का स्ट्रक्चर बनाती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, विंग्स प्रेजेंट होती है यानी कि वो उड़ते हैं। हिंड लिम्स आर वीक एंड हैव शार्प क्लोड डिजिट्स विच आर इंक्लूडेड इन विंग मेम्ब्रेन्स, राइट। विंग मेम्ब्रेन्स में इंक्लूडेड है पूरी डिजिट्स, लॉन्ग होते हैं और एंड पोर्शन पर क्या होते हैं, शार्प क्लोड। आइज आर स्मॉल विथ विजन वीक, उनका वीक होता है विजन। एंड ईयर्स विथ लार्ज पिना, पिना जो होते हैं वो लार्ज। मोस्टली नॉक्टर्नल इन हैबिटेट, ये भी रात को निकलने वाले हैं। एग्जाम्पल है फ्लाइंग फॉक्सिस, वैम्पायर ब्रेड बैट एंड ब्राउन बैट। फर्स्ट जो है वो है फ्लाइंग फॉक्स एंड सेकंड इज उसका लुक जो है वो वैम्पायर लाइक होने की वजह से उसे वैम्पायर बैट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर लिम्स के जो डिजिट्स हैं वो कैसे हैं, विंग्स के साथ ही अटैच्ड हैं, राइट। और पूरी विंग्स कैसी है, फोर लिम्स के साथ मॉडिफाइड हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी फ्लाइंग फॉक्स में भी देख सकते हैं कि पूरा विंग्स डेवलप हुआ होता है, हाँ। और पिन्ना तो यहाँ पर एज वी कैन सी क्लियरली कि एक्सटर्नल पिन्ना जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ऑर्डर फोर जो है वो है प्राइमेट्स, जिनमें लेमूर, मंकीज एंड मैन यानी कि ह्यूमन बींग हम इंक्लूडेड हैं। फाइव डिजिट्स ऑफ हैंड एंड फुट विथ फ्लैट नेल्स, थंब एंड ग्रेट टो आर शॉर्टर एंड अपोजेबल फॉर ग्रास्पिंग। मंकीज़ की बात है कि वह पेड़ पर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए एडेप्टेड होते हैं। आइज आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड सराउंडेड बाई बॉनी रिंग्स। मोड ऑफ वॉकिंग क्या है, प्लैंटीग्रेड। एग्जाम्पल है लेमूर, मंकीज एंड मैन। ऑर्डर फाइव जो है वह है एडेंटाटा, उनमें टीथ प्रेजेंट या तो एबसेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ मोलार्स प्रेजेंट होते हैं। फिट हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एंड कर्व क्लोज। एग्जाम्पल है स्लॉट, आर्मेडिलोस एंड अमेरिकन आंटीटर। स्लॉट, आर्मेडिलोस एंड अमेरिकन आंटीटर। ऑर्डर सिक्स जो है वह है फोलियोडाटा, बॉडी कवर्ड बाई लार्ज ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल्स, राइट, जिन्हें स्केली आंटीटर्स कहते हैं। पूरा बॉडी क्या है, स्केल से कवर हुआ है। हेयर्स आर स्पार्सली फाउंड बिटवीन दी स्केल्स, कहीं कहीं पर स्केल्स के बीच में थोड़े थोड़े हेयर पाए जाते हैं। स्नाउट इज इलोंगेटेड, फिगर में दिखाई देता है स्नाउट कैसा है, तो इलोंगेटेड है। टंग इज लॉन्ग, स्टिकी एंड प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल यानी क्या, तो हम जानते हैं कि ऐसी टंग के जो फीडिंग करने के लिए जब बाहर निकलती है तो शिकार करके वापस से अंदर आ जाती है फ़ौरन से, राइट। स्टिकी होती है और प्रोट्रूसिबल। टीथ आर एंटायरली एब्सेंट। ईयर्स आर रिड्यूस्ड। एन एग्जाम्पल है पेंगोलियन और स्केली एंटीटर। देन ऑर्डर सेवन है लैगोमोर्फा, जिनमें रैबिट एंड पीका प्रेजेंट है, इंक्लूडेड है। टू पेयर्स ऑफ इनसीजर आर प्रेजेंट इन दी अपर जो, यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी रैबिट का नाम आता है तो माइंड में उसका फोटोग्राफ आता है, तो आगे दो टीथ हमारे ध्यान में आते हैं, राइट। सो टू पेयर्स ऑफ इनसीजर्स आर प्रेजेंट। टिबिया इज फ्यूज्ड विद द फिब्यूला, राइट। टिबिया एंड फिब्यूला क्या है, तो लॉन्ग लेग के दो बॉन्स हैं जो ह्यूमन बींग में जनरली क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, जबकि रैबिट में क्या होते हैं, कनेक्टेड। क्यों, क्योंकि वो जब जंप वाला लोकोमोशन करते हैं, राइट, जंप थ्रू लोकोमोशन। सो जंप करने के लिए उनके हिंड लिम्स जो है वो इस तरह से एडेप्टेड हैं। टिबिया एंड फिब्यूला क्या है, जॉइंट। सॉल्स ऑफ फीट आर हेयर, हेयर पाए जाते हैं सॉल्स स्ट्रक्चर जगह पर। टोज बियर्स क्लोज यानी कि क्लोज प्रेजेंट है। ऑर्डर एट जो है वह है रोडेंटिया, या उसे रोडेंशिया भी बोला जाता है। यूजुअली स्मॉल ग्नोइंग मैमल्स,
इनसीजर सिंगल पेयर, एक पेयर होती है। लॉन्ग चिजल लाइक रूटलेस माउस एंड रेट में जिस तरह के टीथ होते हैं उसकी बात है। कैनाइंस आर एंटायरली एब्सेंट, कैनाइन नहीं होते। एंड इनसीजर और मोलर, इन दोनों के बीच स्पेस होती है जिसे डायस्टेमा कहा जाता है। एग्जाम्पल है स्क्विरल, हाउस रेट, माउस, पॉर्क्यूपाइन एंड गिनिया पिग। ऑर्डर 9 जो है वह है सिटेसी। तो सिटेसी में एक्वाटिक मैमल्स इंक्लूडेड हैं जो कि है व्हेल्स। बॉडी जो है वो क्या कैसा होता है, फिश लाइक, राइट। हेयर एब्सेंट होते हैं एंड फ्यू ब्रिस्टल्स ऑन द मजल, यानी कि आगे जिसे हम मूछ कहते हैं मोस्टर्स रीजन में फ्यू ब्रिस्टल्स हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेड लॉन्ग ऑफन पॉइंटेड विदाउट नेक, थोड़ा सा पॉइंटेड विदाउट नेक होता है। आइज आर माइन्यूट। फोर लिम्स होते हैं वो पैडल्स में मॉडिफाइड, क्यों, पानी में है सो फोर लिम्स क्या होंगे, पैडल्स में मॉडिफाइड होंगे। हिंड लिम्स एब्सेंट होंगे। थिक लेयर ऑफ फैट जिसे ब्लबर कहते हैं वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, एनिमल को वार्म प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल है वेल्स। ऑर्डर 10 है कार्निवोरा। कार्निवोरा अगेन फीडिंग हैबिटेट पे से नाम दिया गया है, एनिमल्स पर फीड करते हैं दूसरे छोटे। स्मॉल टू लार्ज टेरेस्ट्रियल, बॉडी साइज उनका छोटे से लेकर बड़ा पाया जाता है। आर्बोरियल होते हैं या तो एक्वाटिक, प्रीडेटरी है या फिश पर भी फीड करते हैं या उनसे छोटे एनिमल्स पर भी। मोलास जो होते हैं वो कटिंग टाइप के, क्यों, बिकॉज ऑफ द फीडिंग हैबिटेट। टोज और डिजिट्स नेवर लेस देन 4, ऑल हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज, ये सभी उनकी फीडिंग हैबिटेट की वजह से इस तरह का है स्ट्रक्चर कि वो जब प्रीडेटर्स है सो शिकार करने जाएंगे प्रे पर तो चीड़ फाड़ करने के लिए उनके क्लोज कैसे होंगे शार्प एंड फोर लिम्स बीच कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल है लायन, कैट, चीता एंड फॉक्स। ऑर्डर 11 जो है वह है ट्यूबुलोडेंटाटा। तो इनका बॉडी स्टाउट, थोड़ा सा पिग लाइक होता है एज वी कैन सी इन दी फोटोग्राफ। स्टाउट कैसा है, लॉन्ग पिग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्किन इज़ वेरी थिक कवर्ड विथ स्पेयर्स हेयर्स, बहुत सारे हेयर्स से कवर है। टंग स्लेंडर एंड अगेन प्रोट्रूसिबल। ईयर्स आर लॉन्ग इरेक्ट एंड पॉइंटेड एज वी कैन सी इन द फिगर, के जो पिन्ना है ईयर का वो कैसा है, लॉन्ग इरेक्टेड है, ऊपर की साइड से पॉइंटेड है। मिल्क टीथ न्यूमरस एंड परमानेंट ओनली 4 to 5, मतलब कि जब वो बेबी होते हैं बॉर्न बेबी तब बहुत सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं मिल्क टीथ, जबकि परमानेंट होते हैं तो वो कितने होते हैं, सिर्फ 4 to 5। एग्जाम्पल है कैप एंट ईटर ऑफ साउथ अफ्रीका। देन ऑर्डर 12 जो है वो है प्रोबोसिडिया, जिनमें एलिफेंट इंक्लूडेड है। तो उनका भी हमें फिगर अच्छे से माइंड में होता है, तो उनके कैरेक्टर्स भी हमें पता है। लार्जेस्ट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। स्किन जो होती है वो थिक स्पार्सली कवर्ड विथ हेयर्स, लॉन्ग प्रोबोसिस और ट्रंक, अगेन आगे जो प्रोबोसिस है उसी पर से नाम भी दिया गया है प्रोबोसिडिया। लेग्स आर लार्ज पिलर लाइक एंड बियर 5 फंक्शनल डिजिट्स। नेल लाइक हूव्स ऑन बोथ 4 एंड हिंड लिम्स। एग्जाम्पल है एलिफेंट। ऑर्डर 13 जो है वह है हायराकोइडिया, जिनमें हायरेक्स प्रेजेंट है, इंक्लूड है। स्मॉल गिनिया पिग लाइक एनिमल्स विथ अ स्प्लिट स्नाउट, राइट। ईयर्स आर शॉर्ट एंड द टेल इज मच रिड्यूस, बहुत छोटी टेल होती है एंड ईयर भी हम देख सकते हैं कि पिन्ना जो है बाहर का एक्सटर्नल ईयर वो कैसा है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। लेग्स शॉर्ट, 4 डिजिट्स इन 4 लिम्स एंड 3 इन हिंड लिम्स। 4 लिम्स में 4 डिजिट प्रेजेंट है एंड हिंड लिम्स में ओनली 3। एग्जाम्पल है हायरेक्स। ऑर्डर 14 है साइरेनिया, वो भी एक्वाटिक मैमल्स है, हर्बीवोरस है, बड़ा लार्ज है, उसे सी काउस के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी जो है वह स्पिंडल शेप होती है एंड फोर लिम्स क्या होते हैं, पैडल्स में मॉडिफाइड होते हैं। अब यहाँ पर हम उसका स्नाउट रीजन देखें तो कैसा है, स्नाउट रीजन ब्लंट है, नोस्ट्रिल्स आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ब्लंट स्नाउट, स्नाउट ब्लंट और उसके अपर सरफेस पे क्या होता है, नोस्ट्रिल। फ्यू हेयर्स ओवर द बॉडी, बहुत कम हेयर्स होते हैं, एग्जाम्पल है ड्यूगोंग। ऑर्डर 15 है पैरिसोडेक्टाइला, जिनमें हॉर्स, जेब्रा, राइनोसिरस इंक्लूडेड है। लार्ज साइज ऑड टोड हूफ्ड, यानी कि हूफ्ड होते हैं नीचे खड़ी जिसे बोलते हैं मैमल्स, और अंगुलेट्स यानी कि लोकोमोशन किस टाइप का होता है, अंगुलीग्रेड, राइट। द मिडल डिजिट ऑफ 4 एंड हिंड लिम्स कैरीज मोस्ट ऑफ द वेट। टीथ आर लोफोडंट, लोफोडंट मतलब क्या कि जो हॉर्स, जेब्रा, राइनोसिरस है वो हर्बीवोरस है, राइट। सो ये एक्वाट वेजिटेशन पर फीड करते हैं,
तब तो ये हार्ड वेजिटेशन को चबाने के लिए इनके जो दांत हैं वो लोफोडेंट टाइप के होते हैं। स्टमक जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर, मच कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ऑर्डर 16 है आर्टियोडेक्टाइला। टेरेस्ट्रियल या तो सेमी एक्वाटिक जैसे कि हिप्पोकैम्पस इंक्लूडेड है, इनके भी हूफ्ड होती है। एक्सेप्ट पिग ऑल च्यू और रूमिनेट देयर कर्ड, जो हमें अच्छे से पता है कि जो काउ एंड बफेलोज होते हैं वो अपने फ्री टाइम में अपना फूड जो होता है उसे क्या करते हैं, रूमिनेट मतलब चबाते हैं, च्यूइंग प्रोसेस देखने को मिलती है। बहुत सारा फूड ले लेते हैं और अपने स्टमक में जमा करके वापस उसे क्या करते हैं, बाहर लाते हैं और उसे च्यूइंग प्रोसेस करते हैं। हिप्पोकैम्पस, कैमल, काउ, बफेलो, शीप, पैकारिस, ऑक्स, गॉट, याक एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। सो यह था मैमल्स का क्लासिफिकेशन। फिर से याद कर ले एक बार, तो मैमल्स को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, जिनमें से प्रोटोथेरिया क्या है, ओवीपैरस, और थेरिया में सारे क्या इंक्लूडेड है, तो वीवीपैरस, राइट। थेरिया जो है उसे दो इन्फ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मार्सुपियम पाउच, तो वो है मेटाथेरिया एंड थेरिया। तो मेटाथेरिया में मार्सुपियम पाउच क्या है, प्रेजेंट है, जबकि थेरिया में मार्सुपियम पाउच एब्सेंट है। सो प्रोटोथेरिया का एक ही ऑर्डर है, मेटाथेरिया में भी एक ऑर्डर इंक्लूडेड है, जबकि थेरिया का में अप्रोक्सीमेटली 16 ऑर्डर इंक्लूडेड है, राइट। सो यह था मैमल्स का क्लासिफिकेशन, यहाँ ओवर होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।